पीछे कर लो। उसकी एक कॉपी मैं आपको प्रेषित करना चाह रही हूँ, क्योंकि आप जिले के हमारी हेडिंग यहाँ पर पुलिस की एक कॉपी मैं आपको देना चाह रही हूँ। दो दिन पहले यहाँ पे एक हादसा हुआ है जिसमें मजदूरों की एक मजदूर की मृत्यु हुई है, और खास चीज़ उसमें जो उभर के आई है उसमें बाल श्रमिक इन्वॉल्व थे, बच्चे थे। जो बच्चा एक बच्चा है वो 15-16 साल का, उसको मैं खुद देख के आई हॉस्पिटल में, और डॉक्टरों ने बोला कि उसे बहुत ही लकी था वो बच्चा जो बच गया, क्योंकि वो पूरा कीचड़ में फंस गया। तो आपको भी मालूम होगा, सभी को मालूम है, और ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति जब कोई एजेंसी द्वारा होती है और मेरे क्षेत्र में हुई है, तो मैं मानती हूँ कि मेरी जिम्मेदारी है इसको प्रॉपर तरीके से पनिश होना। आज की स्थिति में नगर निगम की कमिश्नर जो है, शी इज ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, शी शुड ओन अप टू इट एंड टेक रिस्पॉन्सिबल, दैट इज एंड हूएवर इज रिस्पॉन्सिबल शुड बी पनिश्ड, इट शुड बी लुक्ड इनटू, दैट इज माय डिमांड। सो आई कम टू यू एंड होप यू मेक श्योर दैट दिस एक्चुअली अनफॉर्चूनेट इंसिडेंट इज आई फील देयर हैज बीन एन एफआईआर दैट हैज बीन लॉन्च्ड, बट इट हैज बीन लॉन्च्ड ऑन वेरी जूनियर लेवल ऑफिसर। So can you tell me by what time, any time limit? But you're telling me that it's in progress. Yeah, it's in progress because investigation can get so in a day. What is the responsibility of this particular agency? No, the agency or the Nagar Nigam, whichever person is found, I feel both of them are responsible. The agency. यहाँ पर आए हैं पुलिस अधीक्षक कार्यालय में, तो किस बात की शिकायत लेकर आपको आना पड़ा और क्या चर्चा जो है देवास की पुलिस अधीक्षक मैडम से अभी आपकी हुई? मैं खास चिंतित बाल श्रमिकों को लेकर हूँ। हादसे तो होते हैं, हादसा हुआ और उसमें एक मजदूर की मृत्यु हुई, पर उसमें मुझे जो लगता है खास ध्यान देने वाली बात है कि उसमें बाल श्रमिक इन्वॉल्व थे। जब बाल श्रमिक प्रतिबंधित हैं और दंडनीय अपराध है इस देश में, और बाल श्रमिक जब मेरे क्षेत्र में काम कर रहे हैं और ये मेरी नज़र में आती है, तो मुझे लगा कि मेरी जिम्मेदारी बनती है कि इसको मैं प्रशासनिक अधिकारियों तक इस मुद्दे को लेके जाऊं और देखूं कि जो भी इन्वॉल्व थे इसमें, जो भी रिस्पॉन्सिबल थे इसके लिए, उन्हें उचित, उनके ऊपर उचित कार्रवाई की जाए, ताकि एक एग्जाम्पल सेट हो कि अगले टाइम से बाल श्रमिकों को कोई भी नहीं काम करवाएगा। किस मामले में हुआ था अभी जो बाल श्रमिक वाला जो विषय है, कौन सा वो मामला था और आज आपने किसके विरुद्ध मांग की अभी ये जो बातचीत हुई? जो सीवरेज की योजना चल रही है पूरे शहर में, उसके काम में एक दुर्घटना हुई जिसमें एक मजदूर की मृत्यु हुई और दो बच्चे और इन्वॉल्व थे। एक बच्चा तो उसमें से रेस्क्यू करके कीचड़ में से निकाला गया, और डॉक्टरों ने मुझे बताया कि बहुत ही लकी था वो बच्चा कि वो इतने टाइम के बाद कीचड़ में दबे होने के बाद भी बच गया। 15 साल का बच्चा था वो। जब उसे देखा तब मुझे लगा कि इस मुद्दे को उठाना बहुत ज़रूरी है, ताकि अगले टाइम कोई भी एजेंसी बाल श्रमिकों को इस्तेमाल करने का सोचेगी भी। किस पर मांग की आपने? पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी इसी ठेकेदार के दो बार प्रकरण बने। एक आवास नगर में जब बीएनपी थाने के पास में केस हुआ था, और एक और कहीं हुआ, दोनों में बाल श्रमिक पकड़े गए श्रम विभाग और उनने प्रकरण दर्ज किया। इसके बाद क्या हुआ ये हमें भी खबर नहीं। इसीलिए मैं चाह रही हूँ कि इस बार जोर से आवाज उठाई जाए और इसका जवाब लिया जाए कि प्रकरण दर्ज अगर होता भी है तो क्यों इसको आगे नहीं बढ़ाया जाता है, और जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं वो क्यों ओनअप नहीं करते हैं और इसकी जिम्मेदारी किसको जिम्मेदार मानते हैं? आदरणीय, ये जो ठेकेदार है ये बिफोर ब्लैक लिस्टेड है। जब शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री थे, उसको ठेका दिया गया था, तब कांग्रेस ने इसका भरपूर विरोध किया कि बाल श्रमिक और ये ब्लैक लिस्टेड है, उसके बाद भी इससे काम लिया जा रहा है। देखिए, ब्लैक लिस्टेड होने का जहाँ तक सवाल है,
मेरी जानकारी में महापौर पूर्व महापौर जी यहाँ पे खड़े हैं मेरे साथ, जहाँ तक मेरी जानकारी में है ब्लैक लिस्टेड होने का दावा कांग्रेस ने किया था, हाईकोर्ट ने इनको क्लीन चिट दी थी इस एजेंसी को, और फिर उसके बाद इनको ये टेंडर काम चालू हुआ था। तो हाईकोर्ट का आदेश था, उनको क्लियर किया है हाईकोर्ट ने इस एजेंसी को, और उसके बाद शिवराज सरकार ने इनको काम करने की इजाजत दी थी। तो हम इस मुद्दे को भटकाएं नहीं, ब्लैक लिस्टेड की तरफ नहीं लेके जाएं, उसको हाईकोर्ट ने क्लीन चिट दे चुके हैं। किसके खिलाफ आज आपने मांग की? बाल श्रमिकों का जहां तक मामला है, हाँ, अगर वो एजेंसी रिस्पॉन्सिबल है तो एजेंसी को पनिश करना चाहिए, और नगर निगम क्योंकि मॉनिटरिंग करना चाहिए, ये नगर निगम की जिम्मेदारी है। आज हमारे महापौर नहीं है, हमारे पार्षद कर नहीं है वहाँ पे, तो जिम्मेदारी कमिश्नर मैडम की होती है कि उन्होंने मॉनिटरिंग ढंग से करना चाहिए थी, देखना चाहिए कि कौन कैसा काम कर रहा है उनके। क्या उन पर FIR दर्ज करने की मांग किया आपने? बिल्कुल उचित कार्रवाई होना चाहिए। ठीक है, मैडम ने क्या बोला, उसमें पूरी तरह से जांच होकर देखा जाए।